तो हम बात कर रहे हैं अपनी इस क्लास में फॉर्मूला क्रिएशंस की, कि हम कैसे फॉर्मूला के जरिए अपना फॉर्मूला कैसे क्रिएट कर सके एक्सेल के ऊपर। तो मॉड्यूल्स में आते हैं, फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला जब भी क्रिएट कीजिएगा मॉड्यूल्स में कीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो जैसे सबसे आपका माइक्रो ओपन होता है, ऐसे यहाँ फंक्शन से आपका फॉर्मूला ओपन होता है। फंक्शंस से फॉर्मूला को डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे फिर फॉर्मूला का नाम दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे फॉर्मूला का नाम जो चाहिए, मान लीजिए मैं चाहता हूँ माइनस करने का, सब का फॉर्मूला, सब ट्रैक का फॉर्मूला। उसके बाद इसमें दिया जाता है इनपुट, कि इसके अंदर कितने इनपुट होंगे। इसमें हमने बोल दिया कि यहाँ पे कि n1 as a long कॉमा n2 as a long, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे ये हो गया, इसमें एक सबसे देखिए फॉर्मूला का तीन स्टेज होता है। पहला स्टेज होता है डिक्लेरेशन, हम फॉर्मूला डिक्लेयर करें और इसके अंदर इनपुट्स दे। इनपुट्स का मतलब क्या हुआ कि जब आप अपना एक्सेल में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा सब टी फॉर्मूला, एक मिनट, सब टी फॉर्मूला इसमें नहीं है क्योंकि एक देखना पड़ेगा किस में हमने अप्लाई किया है। बुक थ्री तो है ही नहीं आपका, बुक नाइन है, बुक सिक्स है। अब यहाँ पे बुक नाइन के अंदर जाना होगा। अब मैं यहाँ पे इक्वल करता हूँ, इक्वल सब टी आ गया फॉर्मूला। अब इसके अंदर हमने पहला नंबर लिया और दूसरा नंबर लिया, तो ये जो दो इनपुट दे रहे हैं ना, अगर आप इसमें जाएं तो यहाँ देखिए दो इनपुट n1 n2, जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया था ना, वो आपका n1 और यहाँ पे n2 आ गया। अब समझने के लिए आप यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 ऐसे फुल भी लिख सकते हैं, एंड आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा। तो जो a1 की वैल्यू है वो आपका n1 पे स्टोर हो गया, और जो आपका n2 की वैल्यू है वो आपका मतलब b2 की वैल्यू आपका n2 पे स्टोर हो गया। तो आपको जो फॉर्मूला बनाते समय ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कितना इनपुट्स हम फॉर्मूला में देंगे, और ये जो इनपुट होगा क्या होगा, लॉन्ग है, नंबर है, ठीक है, लॉन्ग है, इंटीजर है, ये चीजें हैं, ये भी आपको डिसाइड करना होगा। अब दूसरा चरण जो आता है वो आता है कैलकुलेशन। तो हमने डिम आर एज ए लॉन्ग यहाँ पे लिया, और आर इक्वल टू हमने बोला n2 - n1। अब दूसरा चरण आ गया कैलकुलेशन। हमने अपने जो भी अपना कैलकुलेशन था, हमने कैलकुलेशन को परफॉर्म किया। और तीसरा जो सबसे मेन है वो क्या है, असाइन, रिजल्ट को असाइन करना। जो फॉर्मूला का नाम है SUBT इक्वल टू R, हमने फॉर्मूला का नाम यहाँ पे असाइन करना। आया समझ में सर आपको? सर
जाहिद जी और भुवन जी, दिव्य साहू जी, समझ में आया? हेलो सुधीर सर, जी सर बोलिए। सर ये जो हमने लिया है डिम आर एज ए लॉन्ग, ये आर इसलिए लिया है कि इस पे एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी स्टोर, राइट? हाँ, हमने लॉन्ग इसलिए लिया क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है, और कैलकुलेशन ओके करके रिजल्ट को हमने आर पे होल्ड कर दिया, ओके, और तो फिर हमने इस सर आर के कंप्यूटर, रिजल्ट को हमने फॉर्मूला को वापस दे दिया। तो फॉर्मूला का तीन पार्ट बताया ना मैंने आपको। पहला पार्ट था डिक्लेरेशन, आपने फॉर्मूला को डिक्लेयर किया। कैलकुलेशन, आपने अपना कैलकुलेशन किया और फाइनल रिजल्ट निकाला, एंड उस फाइनल रिजल्ट को तीसरे चरण में आपको अपने जो फॉर्मूला का नाम है उस पर असाइन करना है। अब मैं यहाँ पे देखिए नंबर देता हूँ और यहाँ रिजल्ट आ गया, ठीक है सर, जी समझ में आया? और सुधीर सर, अगर मुझे एक सम का फॉर्मूला क्रिएट करना हो तो वो कैसे करेंगे? हाँ, अब ये यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, सम का फॉर्मूला। तो आपको इनपुट में क्या देना है, इनपुट में यहाँ पे क्या होता है कि इनपुट डिसाइड करना होता है, लेकिन आप बोले हो कि मेरा इनपुट एक रेंज है। मेरा इनपुट क्या है? एक रेंज है। रेंज, तो फंक्शन में हमने बोला हम एस एम डी के नाम से फॉर्म एस एम कर देते हैं, एस अंडरस्कोर एम, एस एम हो सकता हो फॉर्मूला। तो यहाँ पे जैसे हमने बोल दिया एरिया एज ए रेंज, हमने क्या कर दिया, एरिया एज ए रेंज, समझे? तो यहाँ पे अगर हम नंबर देते हैं, तो यहाँ पे एस अंडरस्कोर एम में हम एक एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सम का फॉर्मूला बनाना है, तो सम का फॉर्मूला तभी तो बनाओगे जब एक्सेल में सम नहीं होगा, क्या सर? नहीं सर, वैसे एक प्रैक्टिस के लिए, मतलब वैसे कि मतलब हाँ, इसमें क्या क्या तो क्या वो आएंगे अब इनपुट? फिलहाल सम को भूल जाओ, तो इनको सम कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको यहाँ पे लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा कि डिम आर एज ए रेंज, ठीक है ना, आर एज ए रेंज, और फिर यहाँ पे देंगे कि फोर एच आर इन एरिया, समझे? और फिर एक और यहाँ पे डिम एस एज ए हमने कर दिया लॉन्ग। उसके बाद यहाँ पे करना होगा एस इक्वल टू एस प्लस आर डॉट वैल्यू और नेक्स्ट आर। आया समझ सर, कि जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया है उसके एक एक एरिया की वैल्यू एस के ऊपर वो सम ऐड करते चला जाएगा, जो फाइनल वैल्यू होगी, फाइनल जो रिजल्ट होगा वो एस पे स्टोर होगा। तो तीसरा चरण क्या है कि हम एस अंडरस्कोर एम पे जो हमारा फंक्शन नेम है उस पे एस को असाइन करना। अब यहाँ देखिए आपको सम आ गया, क्लियर है? ओके अब यहाँ पे ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आप इसमें एक्सेल के फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको सिंपलाइज करने के लिए आप यहाँ पे सिंपल ए भी लिख सकते थे, इसको आप डिलीट करके यहाँ लिख दें कि एस इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट सम, और यहाँ पे दे दीजिए एरिया, समझे सर? फिर वर्क करेगा। तो ये जो मेथड हुआ, ये जो बताया मैंने मेथड, ये हमारा एक्सेल के फॉर्मूले को मैं ट्रिगर कर दिया। और ये जो इससे पहले का जो मेथड मैंने बताया था वो क्या था, ए वी वी मेथड, कि हर एक सेल की वैल्यू को जाएगा और ऐड करता जाएगा। इसमें फ़ायदा है कि आप फ्रीडम है, आप उसमें वैल्यू में कुछ कैलकुलेशन वगैरह करके भी ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है सर? सर, अगर रेंज डायनामिक करना हो? तो डायनेमिक तो है हमारा रेंज, जो नहीं, सेलेक्ट करें हम फॉर्मूला लगाते समय जो आप एरिया देंगे वही एरिया लेगा, अपने से कुछ एरिया थोड़ी ले रहा है। नहीं, सपोज ऐसा होगा कि हम कॉपी पेस्ट कुछ कर रहे हैं और हमें रेंज पता नहीं है, चेंज भी हो सकता है, तो
तो हमें चाहिए आपको कि आपको क्या इसके करना एंड होगा, देखिए यहाँ आपको क्या करना होगा, आपको जो सिलेक्शन मेथड वाला जो क्लास में बताया था आपको, हाँ उस मेथड से अपना डायनेमिक रेंज को एक वेरिएबल पे स्टोर करना होगा। जैसे हमने एरिया एज ए रेंज लिया, आर एज ए रेंज लिया, ऐसे आप डी एज ए रेंज लेंगे और डी पे उसको सेट कर देंगे, समझे? अच्छा तो यहाँ जो F8 से F8 हो रहा है वो एरिया पे सेट हो रहा है ना हमारा, तभी तो अच्छा यहाँ पे लिख रहे हैं फोर ईच आर इन एरिया, समझे? आप यानी कि एरिया आप के, बोल रहे हैं कि और एक और वेरिएबल लेना एक चीज पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, आप फंक्शन के साथ जो है आप सिर्फ जो है ना क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप फंक्शन के जरिए आप नहीं कर सकते कि भाई A1 पे जाओ डेटा को कॉपी करो, B1 पे जाओ पेस्ट करो, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करो, इसकी कलर चेंज करो, ये चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि ये दिस इज नॉट, दिस इज ए इवेंट नॉट ए कैलकुलेशन। ये फॉर्मूला यूज होता है कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे एच लुकअप वी लुकअप जो होता है ना, और एक किसी फॉर्मूला से डेटा कॉपी पेस्ट थोड़ी करवाते हैं आप, फॉर्मूला को शो करवाते हैं बट कॉपी पेस्ट थोड़ी करता है क्या सर, करता है कॉपी पेस्ट? नहीं तो फॉर्मूले के जैसे आप एक्सेल फॉर्म, आप यहाँ फिलहाल ये समझिए, जो आप एक्सेल में फॉर्मूला बनाते हैं ना वैसे ही फॉर्मूला आप यहाँ पे बना रहे हैं, सिंपल सी बात। तो आपको ये देखना है कि कौन कौन से एक्सेल के फॉर्मूले में प्रॉब्लम है। तो अगली टॉप क्लास जो कल मैं लूंगा, उससे पहले आपको रिसर्च क्या करना है, आपको दो दो फॉर्मूले सब आदमी के सबको बोलना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा बोलूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो जितने लोग ज्वाइन हैं सबको मैं बोलता हूँ कि आप दो दो फॉर्मूले ऐसे बताएं जो कि आपके ऑफिस में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है लगाने में, या फिर आप जो जैसा आप चाहते हो उस तरह से वो रिजल्ट नहीं देता है। फिर वो सारे दो फॉर्मूले जो आप, जैसे चार आदमी हैं तो चार दो आठ फॉर्मूले होंगे, आठों फॉर्मूले को हम VVA में ट्रिगर करके बताएंगे कि कैसे होगा, ठीक है? साहू जी, भुवन जी, ठीक जाहिद जी, है सर। सर वो मुझे थोड़ा अभी जी भी सर डाउट है, क्या डाउट है? वो जो डायनामिक रेंज वाला, कि हम कुछ कुछ आ गया वैल्यू चेंज हो गया, सपोज हम कॉपी पेस्ट करके लाए सर हैं फिर डायनेमिक रेंज, हम आप फंक्शन, फिलहाल मैंने क्या बोला आपको कि नहीं, मैं आप आपको जैसे बोले मैं वी समझ गया। लुकअप, सुनिए सुनिए बताते हैं, आप वी लुकअप लगाते हैं तो आपको एक रेंज देना पड़ता है ना, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो G8 में फॉर्मूला लगा हुआ है हाँ वो फिक्स नहीं है, वो मे बी H8 हो सकता है या K8 हो सकता है या E8 हो सकता है, हाँ तो वहां पे डायरेक्टली फंक्शन फॉर्मूला कैसे लगे मैं वो। तो आपको यहाँ पे साइज अच्छा इंक्रीज करना पड़ेगा सर आपको मैनुअली, जैसे आप नॉर्मल फॉर्मूला में इंक्रीज करते हैं इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एवरी टाइम हमें करना पड़ेगा, ये हाँ तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो तो करना पड़ेगा सर, उसके और तरीके हैं जो आगे हम बताएंगे आपको, फिलहाल फिलहाल तो आपको करना पड़ेगा, अच्छा ठीक है ठीक है ना? ठीक अब पहले दिन सब कुछ थोड़ी बता दूंगा सर, है ठीक क्या लग रहा है पहले दिन सब कुछ बताना सही रहेगा? नहीं, अचानक डाउट आया तो इसलिए मैं पूछ लिया। ठीक है, डाउट को मैंने दिमाग में रख लिया, आप भी रख लीजिए, अभी हमारा फॉर्मूला स्टार्ट हुआ है, ये चीज़ें हम बात करेंगे फॉर्मूला के जरिए इवेंट। हमने आपको अभी बताया कि फॉर्मूले के जरिए इवेंट नहीं होता है, लेकिन कुछ इवेंट अपवाद हैं जो कि इवेंट हो सकता है, उस क्लासेस में हम करेंगे, ठीक है ठीक ठीक है? है सर। तो एक करके मुझे भेजिए, कल आप लोग भेजेंगे, पहले पे आपको भेजना होगा ताकि मैं उसके लिए रिसर्च कर लूँगा, तो शाम को 5-6 बजे तक मुझे भेज दीजिएगा, ऐसा नहीं कि रात को 9 बजे आप लोग मुझे भेजें, नहीं मेल तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा ग्रुप में, ठीक ठीक है है? सर, ताकि आपके लिए प्रिपरेशन करके फिर मैं कल क्लास दूंगा। ठीक है सर।